नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल उत्तराखंड का हमारा ये खास कार्यक्रम। आज विषय बेहद गंभीर, बेहद दिलचस्प, लेकिन आज एक नए आगाज के साथ हम आपके बीच में हैं। वही उम्मीद, वही प्यार, वही विश्वास, उत्तराखंड की आवाज न्यूज वर्ल्ड इंडिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीटों पर जोरदार जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने युवा मुख्यमंत्री, युवा सरकार, अब की बार 60 के पार का नारा दिया है। कितने के? 60 के पार। और इसी नारे के साथ बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। रविवार को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में भी 60 पार को लेकर बीजेपी ने रणनीति का ताना बाना पुना। वैसे बीजेपी ने इस बार सी और डी, यानी कि प्लान ए बी और सी जिसे कहते हैं, उस हिसाब से सी और डी कैटेगरी तैयार की है, जिन विधानसभा सीटों पर केंद्रीय नेताओं को उतारा जाएगा, केंद्रीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इन सीटों पर उतरने की। बकायदा जनता के रुझान के हिसाब से ही चेहरा तय होगा। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के पास सभी विधायकों और सीटों का पूरा रिपोर्ट कार्ड पहुंच चुका है। दरअसल बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता के चहेते प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए, यानी कि सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला नहीं चलेगा। कई विधायकों के टिकट कटना तय है। विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के विधायक अब जनता के फेवरेट होंगे तो ही टिकट मिलेगा। अब केंद्रीय नेतृत्व जो नेता उत्तराखंड भेज रहा है वो विधानसभा में जाकर जनता की नब्ज टटोलेंगे। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी इतना एक्टिव है तो कांग्रेस क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? स्टार प्रचारकों को रण में उतारने की तैयारी, रूपरेखा बीजेपी तैयार कर चुकी है, मगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कहां पर खड़ी है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ क्या हरीश रावत के सहारे ही जंग को जीतने का ख्वाब संजो रही है, या फिर कुछ खास प्लान है? क्योंकि दिल्ली से नेताओं की दूरी आज प्रश्न खड़ा कर रही है। आज इसी दिलचस्प मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। इस बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के भी कई दिग्गजों ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी वर्चुअली बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं बैठक का एजेंडा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति का ताना बाना बुनना था, और ऐसे में उत्तराखंड को फतेह करने के लिए एक बार फिर से मंथन और चिंतन हुआ। केदारनाथ में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हुए। हमको ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से तेज़ी से काम कर रही हैं, रेल योजनाएं, हमारी हवाई कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में, और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने एक विजन उत्तराखंड के लिए दिया है कि ये जो हमारी तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। लेकिन हम लोगों ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के अनुसार कुछ विधानसभा हमने चिन्हित किए। उन विधानसभाओं में अलग से प्रत्येक विधानसभा के लिए एक इंचार्ज जो बाहर से आएंगे, वो हम विशेष रूप से, जो विधानसभा हमारी हमने 2017 के आंकड़े उठाए हैं, हमने विधानसभाओं को कैटेगरी में बनाया है। ऐसी विधानसभाएं जो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो मीडियम से जीती है, जो कम मार्जिन से जीती है, सारी कैटेगरी बना के हमने अलग भी इस प्रकार कुछ विधानसभाएं चिन्हित करके अलग अलग बाहर से कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देंगे। एक और जहां बीजेपी चुनाव को भारी बहुमत से जीतने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों के सहारे सरकार पर वार कर रही है।
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकायुक्त जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस देवभूमि के दंगल को फतह करने का ख्वाब संजो रही है। वही आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पर राज्य की जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, बेरोजगारी कांग्रेस की निगाह में सर्वोच्च मुद्दा है। राज्य की आर्थिक स्थिति भी सर्वोच्च मुद्दा है। बढ़ती हुई महंगाई और जनता के चूल्हे पर और पेट पर पड़ रही मार, ये भी सर्वोच्च मुद्दा है। ठप पड़ा हुआ विकास, डबल इंजन का रद्दी स्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा भारी मुद्दा है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है और जन कल्याण की जितनी योजनाएं थी जिनको इस सरकार ने बंद किया है वो भी एक मुद्दा है। और उसके अलावा जो इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो कुंभ में हुआ हो, चाहे NH में हुआ हो, चाहे कर्मकार रोड में हुआ हो, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुए हैं वो भ्रष्टाचार भी हमारे निगाह में एक बड़ा भारी मुद्दा है। हम और इन्होंने हमारे कांग्रेस के समय में जो हमने लोकायुक्त का गठन कर दिया था, उसको गवर्नर के वहाँ रुकवाया है, वो भी एक मुद्दा है। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के नाम पे एक बड़ा चेहरा हो, लेकिन इस बड़े चेहरे का उत्तराखंड करेगा क्या? क्योंकि जब ये उत्तराखंड आते हैं उनके नाम पर यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह वो फेल हो चुके हैं इस टर्म में। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस को चुनाव में कहीं पर भी नहीं। कुल मिलाकर उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में बीजेपी का इस बार 60 के पार का नारा होगा कामयाब या फिर कांग्रेस मारेगी मैदान? देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। तो मुद्दे तैयार हैं, हथियार तैयार हैं, लेकिन अस्त्र चलाए कैसे जाएंगे? सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आज की चर्चा में मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये मेहमान होंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन कैंथोला साहब, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। साथ साथ हमारे साथ संजय भट्ट जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। मनोज इष्टवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है और उत्तराखंड की सियासत को बाखूबी समझते हैं, जानते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के भी नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। आप लोगों की सोच, आप लोगों की आवाज, उत्तराखंड के मुद्दे इस मंच से हम रोज उठाएंगे। शाम को 5 बजे पूरा उत्तराखंड पूछेगा। और पहला सवाल विपिन जी आपसे, आज उत्तराखंड पूछ रहा है 60 के पार, 60 के पार कुछ ज्यादा नहीं हो गया विपिन जी? तिलक भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए चैनल की, और मैं आपके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस पर मैं उत्तराखंड वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ जिनके प्रयास से उत्तराखंड राज्य। देखिए तिलक भाई, युवा नेतृत्व 60 पार का जो हमारा लक्ष्य है, निश्चित रूप से हमारे पास पिछली बार 57 सीटें थी और इस बार जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार ने 4.5 वर्ष में उत्तराखंड के विकास के नए आयामों को स्थापित किया, अब ये तिलक भाई हमारी जो डबल इंजन की सरकार थी, उत्तराखंड की जनता जानती है इस राज्य की अवधारणा और इस राज्य की स्थापना में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अहम योगदान है। भाजपा की सरकार जब केंद्र में थी, एनडीए की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रदेश का निर्माण किया और एक विशेष आर्थिक पैकेज 2013 तक उत्तराखंड की राज्य को दिया, जिसकी फलस्वरूप जो उद्योग है, जो तमाम चीजें हैं, जो नींव है उत्तराखंड की, उसको मजबूती से रखा जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें विशेष आर्थिक पैकेज दिया था। हम अंतरिम सरकार के बाद आम चुनाव में नहीं आ पाए, उत्तराखंड की जनता का ने जो माइंडेट दिया कांग्रेस को दिया, और के बाद
जब हम 2017 में दोबारा इस सरकार में आए हैं, 4.5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार में तिलक भाई, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे वो विपिन जी, आपने इतना विकास किया, डबल इंजन की सरकार इतनी तेजी से दौड़ रही है, 3-3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए कि जब इतना विकास की गंगा बह रही है, आपको फिर भी स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ रही है? तिलक भाई, आप बहुत लंबे समय से आप इन चैनलों में आते हैं और उत्तराखंड को भी कवर करते हैं, देश भर की राजनीति को भी देखते हैं, स्टार प्रचारक हर पार्टी को अपने स्टार प्रचारक होते हैं। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो रण छोटा हो चाहे बड़ा हो, रण तो रण है, राजनीतिक रण है, चुनावी रण है, और रण में क्या छोटा क्या बड़ा कोई भी चीज। लेकिन इतने उपचुनाव हुए विपिन भाई, जल्दी से बताइए ना, फिर महंगाई मुद्दा है कि नहीं? देखिए तिलक भाई, उत्तराखंड की जनता भी समझदार है और देश की जनता भी समझदार है। हम जिस मुहाने से, जिस समय से गुजर रहे हैं, आप पूरा देश जानता है कि विश्व आज किस स्थिति में, फिर भी देश जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता, आप मुझे घुमा क्यों रहे हैं? महंगाई मुद्दा है या नहीं विपिन जी, छोटा सा सवाल है, उत्तराखंड में महंगाई मुद्दा है कि नहीं? देखिए तिलक भाई, गति पकड़ रहा है, निश्चित रूप से जैसे जैसे चीजें ठीक होंगी और बहुत सारी चीजें जो चल रही हैं उन चीजों पर। देखिए विपिन जी, आप मुझे बार बार घुमा रहे हैं, मैं बार बार आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तराखंड में महंगाई मुद्दा है या फिर नहीं? संजय भट्ट साहब, आपका क्या प्लान है जनाब, जरा बताइए उत्तराखंड की आवाम को, उत्तराखंड की आवाम पूछ रही है आपसे, जरा बताएं कि आपका क्या प्रोग्राम है जनाब। देखिए तिलक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको नए चैनल के साथ शुरुआत करने की। मेरे ख्याल से आप इतने लंबे समय से उत्तराखंड को कवर करते आए हैं, साथ में ही क्योंकि कल 9 नवंबर है और राज्य स्थापना दिवस है, 2000 से हम 2021 में आ गए हैं, तो इन 21 सालों में जो कुछ हुआ नहीं हुआ वो तो जनता बखूबी देख ही रही है, और लेकिन फिर भी जनता को, उत्तराखंड वासियों को, हर एक उत्तराखंड वासियों को, सभी पैनलिस्ट को, सभी न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को और पूरे भारतवर्ष को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संजय भाई देखिए तिलक भाई, तो सही मुद्दा क्या है, आपका प्लान क्या है? जी, 21 साल में जनता ने, आपने भी देखा है तिलक भाई, आप लगातार कवर करते रहे हैं कि उत्तराखंड में जिसकी सरकार होती है जनता उसे उखाड़ फेंकती है, क्योंकि ये लोग कुछ काम कर नहीं पाते हैं और जनता की जो मांग रहती है उन पे ये खरे नहीं उतर पाते हैं, और भ्रष्टाचार, आज तक कोई भी एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप ना हो, चाहे भाजपा ने लगाए हो 56 घोटालों के आरोप। बेरोजगारों को पकड़ पकड़ के हमने नौकरी दी, अभी तो अमरजीत भी मेरे साथ जुड़ गए, आप कह रहे विकास नहीं हुआ, वहां डबल इंजन की रफ्तार आप देख ही नहीं पा रहे? नहीं, डबल इंजन की रफ्तार दिखाई दे रही है, पूरे उत्तराखंड को दिखाई दे रही है, पिछले 4.5 साल में 32 पुल गिर गए, डबल इंजन की रफ्तार है। अगर बात करें हम गैरसैंण की, तो गैरसैंण में भूमि खरीद के ऊपर से जिस प्रकार से भू कानून हटाया गया वो भी भ्रष्टाचार की रफ्तार पूरी उत्तराखंड की जनता देख रही है, जिस प्रकार से देवस्थानम बोर्ड में हमारे हकधारियों और पुरोहितों के साथ अन्याय किया जा रहा है वो देख रहा है, जिस प्रकार से कुंभ में कोरोना घोटाला हुआ, फर्जी टेस्ट घोटाला, वो भी पूरा उत्तराखंड देख रहा है, आज ही उसमें 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, तो ये सब उत्तराखंड लगातार। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आप कहाँ खड़े हैं, आपका क्या प्लान है? जी देखिए, हमने तो जनता को यही बताया कि भाई हमने दिल्ली में ये किया है, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री दिए, हम यहाँ 300 यूनिट देंगे, शिक्षा का दिल्ली का मॉडल पूरा विश्व देख रहा है, उस मॉडल को हम उत्तराखंड में भी लागू करेंगे। किया नहीं, भ्रष्टाचार की बात की थी, जल्दी से फिर मैं विनोद जी आपके पास आ रहा हूँ, मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ, मेरे साथ अमरजीत जी भी जुड़ गए हैं, बोलिए विपिन जी, मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप भट्ट साहब की बातों पर? तिलक भाई संजय भाई से जब बात होती है उत्तराखंड की, हम दिल्ली की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि दिल्ली पर मत जाइए, तो भाई दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों ने क्या किया, कोरोना वैसी महामारी में प्रदेश और देश की जनता ने देखा, सब में ताले लटके मिले, एक भी कोरोना पेशेंट का
वहां पर इलाज नहीं हो पाया, हाथ खड़े कर दिए। उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के बेरोजगार, उत्तराखंड के जो रोजगार वहां कर रहे थे उनको आनंद विहार बस अड्डे में धक्के मार के छोड़ दिया। उत्तराखंड के लोग भूले नहीं है, एक भी स्कूल नहीं बनाई। बताइए इन 7 वर्षों में क्या किया आपने? 333 लोगों को रोजगार दिया, बात करते हो। और दिल्ली मॉडल की बात, जो फेल मॉडल है, ऑक्सीजन घोटाला कर दिया, पूरे देश की जनता जानती है भैया। जल्दी से फिर मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी, मैं ज्यादा कुछ विपिन भाई की बातों में कहना है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि विपिन भाई की जो पार्टी है उनका काम है जुमलेबाजी और झूठ बोलना, तो इसलिए जनता को भी मालूम है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना में जो मृत्यु दर रहा पूरे देश में, पहले नंबर पर पंजाब रहा, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा, मेरे आंकड़े तो है नहीं, तो ये सच्चाई है। और दूसरी बड़ी खबर और दिलचस्प खबर ये है, विपिन जी अपने क्या कहते हैं वो जहाज में उड़ने से पहले अपनी पेटियां बांध लीजिए। गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं 6 विधायक मेरे संपर्क में है, 6 बीजेपी के विधायक मेरे संपर्क में हैं। अमरजीत जी, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? 6 विधायक संपर्क में हैं और बता भी रहे हो संपर्क में, जिनके संपर्क में होते हैं वो बताते नहीं है। पूछिए विपिन जी से, लेकर उड़ जाते हैं जहाज में। 6 संपर्क में है या 6 से अधिक संपर्क में है, ये आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और इससे पहले भी जिस प्रकार से यशपाल आर्य जी आए, उनका सपुत्र हमारे पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने, आने वाले समय में 6 ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग संपर्क में हैं जो मुंह भाई खड़े हैं कांग्रेस की तरफ और इस आशा उम्मीद से खड़े हैं कि पार्टी में जो स्थान मिल जाए कांग्रेस पार्टी में, भारतीय जनता उनको आज की तारीख में डूबता हुआ जहाज दिख रहा है। संपर्क में है वो सारे हरीश रावत के फेवरेट है ना, पता कर लिया ना आपने? वरना फिर आप कहेंगे मैंने तो बैरियर लगा रखा है। तिलक भाई आप फेवरेट क्यों कह रहे हो? वो कांग्रेस के फेवरेट हैं, वो कांग्रेस की तरफ मुंह भाई खड़े हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। वो हरीश रावत की तरफ मुंह भाई नहीं खड़े, वो कांग्रेस की तरफ मुंह भाई खड़े हैं। वो इस आशा उम्मीद में खड़े हैं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल के अंदर उत्तराखंड का, आपने गद्दार बोला, बेवफा बोला, झूठा बोला, भ्रष्टाचारी बोला, उनको लोगे पार्टी में? नहीं, हमने अभी तो नाम ही उनके जाहिर नहीं हुए, किसको भ्रष्टाचारी कहा किसको नहीं कहा, ये तो आने वाला समय बताएगा कौन लोग हैं, उनका योगदान क्या रहा पार्टी को खड़ा करने में, या बीजेपी के अंदर उनका क्या योगदान रहा। अच्छा, तो उनको बता भी रहे हो 6 विधायक हमारी रडार पर हैं, बता भी रहे हो 6 विधायक रडार पर हैं, बता रहे हो डरा रहे हो? डरा नहीं रहे, डराना की बात अगर ये है कि आज भी हरीश रावत जी ने कहा अगर ये हमारी तरफ इस प्रकार से देखेंगे तो हम इनको दुगना जवाब देंगे, कि हमारे अगर 2 तोड़ेंगे तो हम इनके 4 लाएंगे। अच्छा, आने को तैयार बैठे हैं। तो कांग्रेस ने द्वार बंद किए, 2017 में ये क्यों कहा कि मेरी गर्दन काट के ले गए, मेरी गर्दन काट के ले गए, और आज उन्हीं को कह रहे हो कि आप मोहब्बत करें? आप समझो जो गर्दन काट के लेकर हमारी उनसे बात, अभी तो नाम ही खुलासा नहीं हो रहा, आप कह रहे हो कि हम उनकी तरफ के तो आप गारंटी ले रहे हैं क्या वो नहीं आ रहे? आप गारंटी ले रहे हैं? आप ना हो, सबर करें, बहुत जल्द आपके सामने होगा। ओके, मैं आपसे ओके मनोज सर मुझे एक बार बताइए, ये उत्तराखंड की सियासत किस दिशा की ओर जा रही है? वो कह रहे हैं 6 रडार पर है, विपिन जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, महंगाई कोई मुद्दा नहीं, संजय जी कह रहे हैं कि देखिए हम तो दिल्ली मॉडल पर हैं, लेकिन ये उत्तराखंड की सियासत किस दिशा में जा रही है? तिलक जी, अभी को सुन रहा हूं और बहुत दिलचस्पी से सुन रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि 6 उनकी तरफ जा रहे हैं, 6 हमारी तरफ आ रहे हैं, या 6 आप में जा रहे हैं, या कांग्रेस में जा रहे हैं, या भाजपा में जा रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यहाँ आके ठहरता है कि जिनको अपनी टिकट कटने का भाजपा में डर लग रहा है, वो कभी आपकी तरफ झुक रहे हैं तो कभी कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। वैसे ही जिनकी कांग्रेस में ये लग रहा है कि हमें टिकट नहीं मिलेगी, वो भाजपा की गोद में आके बैठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी जुमा नई पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने विगत 3 महीनों में मेहनत करके अपने को साबित करने की कोशिश किया है, उससे दोनों बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस के माथे पे पसीना तो जरूर उन्होंने लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। रही भाजपा पे महंगाई की मार और महंगाई की बात और कांग्रेस, यकीनन वो 60+ जो आज बात हो रही है वो बेमानी है।
मेरे हिसाब से तो इस समय नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है कांग्रेस और भाजपा में वर्तमान में, और ये भाजपा को जितनी जल्दी समझने की आवश्यकता है मेरे ख्याल से समझ लेना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता, नेक टू नेक फाइट की बात नहीं होती, तो भाजपा सेंटर से एक बहुत बड़ी नेताओं की फौज आगामी समय में उत्तराखंड में उतारने की बात नहीं करता। आप रही कांग्रेस की बात कि कांग्रेस का है और आम आदमी पार्टी विपक्ष का ये भूमिका में नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वास्तव में ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उसके पास चेहरे नहीं है। सिर्फ एक हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव जीतना आपके सामने पूछ लेता हूँ। अमरजीत जी, वो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हरीश रावत कांग्रेस, प्रीतम सिंह कांग्रेस, यशपाल आर्य कांग्रेस, कौन सी कांग्रेस है मनोज जी कह रहे हैं? अमरजीत जी, उनके माइक में जी, जी 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 कौन सी कांग्रेस है वो पूछ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस कांग्रेस है, हो यशपाल आर्य हो, प्रीतम सिंह हो, या अन्य नारे नेता, सभी के सभी जब चुनाव लड़ेंगे हम एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे। आप दिल्ली के नेताओं को ये बताया अमरजीत जी कि उत्तराखंड में चुनाव है, उनको पता उत्तराखंड में चुनाव है? मुझे तो ये लग रहा है कि शायद आपको जानकारी नहीं है, कांग्रेस जिस प्रकार जानकारी नहीं है, आपके नेताओं को जानकारी है कि नहीं ये बताओ मुझे आप। मैं बिल्कुल सबको जानकारी है जी, आपका आपका दिल्ली का कौन सा नेता, चलिए ठीक है राहुल गांधी नहीं आते ना आए, लेकिन कौन से नेता है जो दिल्ली से आ रहे मुझे तो बताओ? वहाँ प्रधानमंत्री आ रहे, फिर आप कह रहे हैं कि भैया उत्तराखंड को पूछ अरे भाई रहे। अगर अगर विकास की बयार इतनी बही थी तो बार बार प्रधानमंत्री को, जेपी नड्डा जी को और अमित शाह को क्यों आना पड़ रहा है? मुझे इस बात का तो जवाब दे दें, हमें हम तो आश्वस्त हैं। बता दीजिए विपिन जी, बता दीजिए उत्तराखंड की जनता तो ये तुम वो कह रहे हैं तो भरोसा है हरीश रावत पर, ना खाता ना बही। प्रधानमंत्री मोदी जी हरीश रावत क्या कहते थे अमरजीत जी? ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही। ये तो सब भारतीय जनता पार्टी की आप जैसे लोगों के जुमले दिए हुए हैं। अच्छा मेरे जुमले हैं अमरजीत जी, मेरे जुमले हैं। मैं आपसे आप मैं तो याद दिला रहा हूँ आपको, नहीं कह रहा मैं याद एक का दिलाना जो बात सही है, मैं तो याद दिला रहा हूँ। ओके विपिन जी, विपिन जी फिर आ रहा हूँ संजय भट्ट जी आपसे। अपने स्थापना दिवस कांग्रेस के स्थापना दिवस के लिए वो इटली जा सकते हैं, अपनी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के लिए उनके युवराज के पास कमान, उनके युवराज के पास अपने नेताओं, कितने नेता इनकी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, आला नेता जितने इनके गए हैं, तो सब लोग एक ही बात कहते हैं कि राहुल जी को किड्डी को बिस्कुट खिलाने का समय है, लेकिन नेताओं को मिलने का समय है। इनके मैं जी उत्तराखंड के परिदेश में बात कीजिए, आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, दिल्ली का मुंबई खंड, कभी अरविंद केजरी का नाम लेते हो, कभी किसी का नाम लेते हो, आप उत्तराखंड की राजनीति कर रहे हो। अभी आपने तिलक चावला जी ने आपसे महंगाई पर पूछा, क्या महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच में जाओगे? इनकी नाम क्यों दबा रहे हो? एक सेकंड में पूछ लेता हूँ ना, नाराज मत हो। अमरजीत जी नाराज मत हो, आपके सामने दोबारा पूछ ले रहा हूं मैं, दोबारा पूछ लेता हूँ अमरजीत जी, नाराज ना हो। एक सेकंड एक सेकंड विपिन जी, वो कह रहे महंगाई मुद्दा है या फिर नहीं, सिर्फ ये बताइए। कांग्रेस के लिए तो पिद्दी मुद्दा है, कांग्रेस के लिए महंगाई मुद्दा है या फिर नहीं विपिन जी? जब ये और युवराओं में बैठ के आपकी बातों का जवाब नहीं दे पा रहे, ये जनता के बीच में जाएंगे क्या आपको जवाब देंगे? ओके ओके एक एक सेकंड देखिए, हमने भाजपा ने भट्ट साहब प्रधानमंत्री भट्ट साहब, ये सवाल तो आप पर भी आता है, फिर मैं मनोज जी के पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट देने। भट्ट साहब ऑडियो नीचे, एक सेकंड भट्ट साहब एक बात, भट्ट साहब कर्नल साहब को अकेले छोड़ दिया आपने रण में जंग लड़ने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं, हमने कर्नल साहब को अकेले नहीं छोड़ा है, कर्नल के साहब के साथ उनकी पूरी सेना है, कर्नल के साथ सेना चलती, कर्नल अकेले नहीं चलते। और कर्नल साहब लगातार लगातार उत्तराखंड के एक एक हिस्से में जा रहे हैं, और केजरीवाल रोजगार गारंटी योजना, केजरीवाल गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। कल भी हमारा 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रदर्शन है, 9 नवंबर है कल, स्थापना दिवस है, 21 सालों में उत्तराखंड बर्बाद कर दिया भाजपा और कांग्रेस ने, कल हमारा प्रदर्शन है। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक एंथोरा जी जब बोल रहे थे तो आपने मेरे से सवाल किया था और मैं बात पूरी नहीं कर पाया था। हमारे जो बंसीधर भगत जी हैं भारतीय जनता पार्टी के आज मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में शमशानों पर लकड़ी कम नहीं होने दी जाएगी,
हमारे जो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, उन्होंने कहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अगर कोरोना काल में सही काम किया होता तो उत्तराखंड का ये हाल ना होता। हमारे जो मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी, वो सुबह से शाम तक घूमते रहे, तब जाके उनके भांजे को एडमिशन मिला हॉस्पिटल में कोरोना काल में। ये हाल था कोरोना काल में, ये जो इनके मंत्रियों ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो उन बातों को दोहरा रहा हूँ, आंदोलनकारियों को उनका हक हकूक, गैरसैंण, ये मुद्दे तो उत्तराखंड की आवाम के जनता के बीच के जहन के बीच में है। मैंने बार बार पूछा, विपिन जी ने जवाब नहीं दिया। क्या इस बार वाकई महंगाई मुद्दा बनेगी, जब हिमाचल के मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को कबूल कर चुके हैं कि महंगाई की वजह से हमारे उत्तराखंड में होगा कुछ असर? उत्तराखंड की सड़कें मुद्दा बनेंगी जो हमने बनाई है। कौन सी सर, जो ऑल वेदर रोड हवा में तैर गई? एक सेकंड रुकिए ना, पुल 32 पुल गिर गए जो मुद्दा बनेगा। एक सेकंड, मनोज जी, मनोज जी का ऑडियो सिर्फ जल्दी से, फिर मैं वाइंड अप करता हूं। तिलक जी जी, बहुत खामोशी के साथ जिस तरीके से पुष्कर धामी अपनी पारी खेल रहे हैं ना, यकीन बहुत चतुराई की एक पारी है और भाजपा उसमें बेनिफिट पे जा रही है। यकीनन आपने कहां कमी कर दी, आपने कर्नल कोटियाल को कैश करना शुरू किया तो अपने पीछे के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल या फिर रवीन चुगरान जैसे जो बिल्कुल जमीनी नेता थे उनको पीछे भूल गए, वो लोग लापता ही हो गया आपसे, वहां आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। रही कांग्रेस के बाद, कांग्रेस में हरीश रावत हमेशा ही हर एक का एक जिसको कहते हैं कि क्रेडिट ले लेते हैं। इस बार बहुत मेहनत की है गणेश गोडियाल ने कांग्रेस को खड़ा करने में, यकीनन उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतनी जल्दी स्टेप बाय स्टेप खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब जो कंक्लूजन आ रहा है, 8 पार तो नहीं लेकिन सरकार की स्थिति में भाजपा आज पुनः लौट गई है। हाँ, अगर आज से 4.5 साल पहले की बात होती, वो करीब 1-2 साल पहले की बात होती, 1.5 साल पहले की बात होती, उत्तराखंड। हाँ मनोज जी, आप जानते हैं कि ये उत्तराखंड है, कब कहां क्या कुछ हो जाए, क्यों विपिन जी गलत तो नहीं कह रहा ना, उत्तराखंड के भीतर सरकारें गिर जाती है, सरकारें गिर जाती हैं, विधायक चले जाते हैं, कौन पराया कौन बेगाना सब अपने हो जाते हैं, ये है उत्तराखंड की सियासत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, विपिन जी आपका, अमरजीत जी आपका, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन कल फिर 5 बजे होगी मुलाकात और पूछेंगे उत्तराखंड का सवाल, होगा उत्तराखंड की आवाज इंडिया न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। आज एक बार फिर आपको बता दें कि 5 बजे रोज पूछेगा उत्तराखंड, इसी तरह होगी चर्चा और पूछेंगे बेबाक सवाल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलर